हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में। और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार, नॉलेज हाउस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, इससे पहले हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जो लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज पार्ट थर्ड में बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो चलो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, टेन वुमेन कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 7 डेज एंड 10 चिल्ड्रेन टेक 14 डेज टू कम्प्लीट द वर्क, हाउ डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन टेक टू कम्प्लीट द वर्क। कहा गया है कि हमारे पास 10 वुमेन है, वो एक काम को 7 दिन में करती है, वो 10 चिल्ड्रेन है वो काम कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में करते हैं। यानी किसी एक काम को, कोई भी एक पार्टिकुलर काम है उसको ये करते हैं। तो ये ऐसे जब सवाल आते हैं तो उसमें आपको दो चीज़ें चाहिए, तो होती है कि टाइम, मतलब टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, और क्या चाहिए, एक दिन का काम, किस किस का, मेन का, वुमेन का, चिल्ड्रन का, इन तीनों का हमको 3 दिन का, एक दिन का काम भी पता चल जाएगा। अगर एक दिन का काम पता चल जाए, टोटल वर्क पता चल जाए, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमको दे रखा है कि 10 वुमेन है और 7 दिन में काम करती है, तो हमने 10 वुमेन और 7 दिन में इंटू 7 लिख दिया, क्योंकि बराबर कर दिया हमने किसके, 10 चिल्ड्रेन इंटू 14 के, किसकी बराबर हमने इसलिए किया क्योंकि कोई एक काम कर रहे हैं, जिस काम को वो 10 वुमेन कर रही है उसी काम को 10 चिल्ड्रेन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन दोनों को बराबर कर दिया, मतलब उसी काम को इतने दिन में पूरे कर रहे हैं। ठीक है, 10 से 10 कट गया हमारे पास, वुमेन अपॉन चिल्ड्रन कितना आ गई, 2:1, 2:1 का हमारे पास आ गया। इसका मतलब वुमेन क्या कर रही है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और जो चिल्ड्रन है वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, फिर हमसे बोला कि हाउ डेज विल 5 वुमेन, 5 वुमेन लिख रखा, 5 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन टेक टू कम्प्लीट द वर्क। ठीक है, ये पूछा हमसे। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क या हम वो डब्ल्यू और सी की वैल्यू या तो इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट के रख देंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क हमने क्या करा कि मैंने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, टोटल वर्क क्या हो गया, 10 इंटू चिल्ड्रेन की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू 14 ये बराबर कितना हो जाएगा, 140। तो 140 क्या आ गया, 140 आ गया हमारे पास टोटल वर्क, 140 हमारा टोटल वर्क आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन जो है ना वो कैसे कर रहे हैं काम। तो हम क्या करेंगे, 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन का एक दिन का काम निकाल लेंगे, तो उनका एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 5 वुमेन, वुमेन की वैल्यू की डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 आई है, 2 लिख दिया हमने, और 10 इंटू सी की वैल्यू क्या है, 1 आया, 10 प्लस 10 यानी 20 यूनिट। तो 20 यूनिट क्या आ गया हमारे पास, एक दिन का काम आ गया। किसका एक दिन का काम आ गया, ये जो पूरी जो इनका गैंग है या फिर जो भी है 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन का, उसका एक दिन का काम क्या आ गया हमारे पास, 20 यूनिट। और हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 140, तो हमारे पास 140/20 यानी 7 डेज, तो 7 डेज हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो पूरा काम है वो कितने दिन में कम्प्लीट हो जाएगा, 7 डेज पर कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये छोटे से क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए बस एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि हमको क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है और क्या निकालना है, एक दिन का काम निकालना है, मेन का, वुमेन का और चिल्ड्रन का एक दिन, एक एक दिन का काम निकालना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 मेन एंड 3 वुमेन कैन डू ए जॉब इन 6 डेज, वेन 5 मेन एंड 6 वुमेन वर्क ऑन द सेम जॉब, द वर्क गेट कम्प्लीटेड इन 4 डेज, हाउ मेनी डेज विल ए वुमेन टेक टू डू द जॉब इफ शी वर्क्स अलोन इट। कह रहा है कि 4 आदमी और 3 वुमेन एक काम को करते हैं 6 दिन में, 4 मेन और 3 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, इंटू 6 कर दिया हमने। उसके बाद कहा उसने कि द 5 मेन, उसके बाद कहा हमसे कि 5 मेन और 6 वुमेन, 5 मेन और 6 वुमेन उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। तो हमने इसको सोल्व किया, तो 6 का मल्टीप्लाई हमने इससे कर दिया और 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 4m = 6 वुमेन, तो m/w क्या जाएगा, 3/2। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि मेन क्या कर रहा है, एक दिन में 3 काम करता है और वुमेन क्या कर रही है, एक दिन में 2 काम करती है। लेकिन हम हमको निकालना क्या है, टोटल वर्क,
टोटल वर्क में क्या करेंगे, मैं डब्ल्यू या एम और डब्ल्यू की वैल्यू किसी एक में रख दूँ, या तो इसमें रख दूँ या फिर पूरे में रख दूँ। तो मैंने क्या करा कि चूज़ किया मैंने इसको कि इसमें वैल्यू रख दी मैंने पाँच के, पाँच एम की जगह क्या लिखा मैंने तीन, ये तीन लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या लिखा सिक्स डब्ल्यू है, सिक्स की जगह सिक्स लिख दिया, डब्ल्यू की जगह क्या दो हो गया, तो पाँच या पंद्रह, पंद्रह प्लस बारह इंटू फोर कितना हो गया सत्ताईस इंटू चार यानी एक सौ आठ, एक सौ आठ क्या हो गया हमारे पास टोटल टाइम हो गया। लेकिन हमको क्या निकालनी है कि हाउ मैनी डेज ए सिंगल वूमेन, सिंगल वूमेन क्या होगा दो यूनिट हो जाएगा, सिंगल वूमेन का काम क्या है एक दिन में दो यूनिट करती है, और हमारे पास टोटल काम कितना एक सौ आठ, तो एक सौ आठ, तो एक सौ आठ बटा दो बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास चौपन डेज, इसका आंसर हमारा आ जाएगा। दोस्तों फिर भी हमने क्या निकाला इसमें टोटल, पहले टोटल वर्क निकाला फिर एक एक दिन का सबका काम निकाला, बस करना कुछ नहीं है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा सिक्स मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वाइल एट वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, द सेम वर्क विल बी डन बाय 18 चिल्ड्रन इन 10 डेज, फोर मैन फोर 12 वुमेन एंड 20 चिल्ड्रन वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज इफ ओनली मैन हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1 आवर देन फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है कि एक आदमी उसको काम को करता है तो हमको कितने आदमी की और जरूरत पड़ेगी। देखो दोस्तों इसमें क्या करा गया हमसे कि छः वुमेन कर रहे हैं काम को, उसी काम को क्या कर 12 दिन में कर रहे हैं छः वुमेन, आठ वुमेन उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में कर रही है, उसके बाद जो चिल्ड्रन है वो कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। तो हमने क्या करा इन सबको बराबर लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या देखिए 2m इक्वल टू 4w इक्वल टू 5 से आ गया। अब हमको इनको क्या करना है रेशियो में चेंज करना है, रेशियो में चेंज कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे इस दो का चार का पाँच का एलसीएम निकाला कितना आया 20, और दो में हमने 20 का भाग दिया कितना है 10 आया, और इसके बाद चार में 20 में हमने चार का भाग दिया कितना है 5 आया, और 20 में हमने 5 का भाग दिया कितना 4 आया। तो ये आ गया हमारे पास क्या 10 5 और 4 हमारे पास क्या आ गया इनके एक एक दिन का काम आ गया, एक एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये आ गया। पर हमको क्या निकालना है टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क के लिए क्या करा है इसमें इसमें या इसमें किसी एक में वैल्यू पुट कर लो, मैंने क्या करा इसमें वैल्यू पुट करी है, तो 18 सी की वैल्यू क्या मेरे पास 4 इंटू 10 यानी 720 हमारे पास टोटल क्या गया 720 हमारे पास टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 720। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि 4 मैन 12 वुमेन एंड 20 चिल्ड्रन वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, ये हमसे कहा गया है कि जो चार आदमी है 12 वुमेन और 20 वुमेन एक वर्क करते हैं किसी दो दिन के लिए, दो दिन के लिए काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे इनका पहले एक दिन का काम निकाल लेंगे। एक दिन का काम कैसे निकालेंगे कि 4 मैन 12 वुमेन और 20 चिल्ड्रन है, एम की वैल्यू हमको पता है 10 यूनिट है, डब्ल्यू की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 4 है, हमने वैल्यू पुट करी टोटल कितना आ गया 180 यूनिट आ गया। तो उन्होंने टोटल दो में दो दिन काम किया था, दो दिन की वैल्यू निकाल ली हमने 180 इंटू 2 यानी 360 दिन निकाल लिया, टोटल वर्क हमारे पास कितना 720 था, उसमें से हमने 360 घटाया तो अब हमारे पास टोटल वर्क कितना बचा 360। उसके बाद उसने कहा कि कितने आदमी काम करेंगे, उसने कहा कि अब टोटल कितने होना चाहिए एक ही आदमी काम करेगा उसको, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा 36 दिन में करेगा। अगर उसको एक आदमी एक दिन में 36 दिन में करेगा तो एक उसको टोटल आदमियों की जरूरत भी कितनी पड़ेगी 36 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 आवर्स ऑफ 9 7 डेज इन 9 आवर्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पर डेज आएगा, ठीक है क्या आएगा यहाँ पर डेज आएगा, तो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 आवर्स इन 9 आवर्स 7 डेज ऑफ 9 आवर्स ईच एंड बी कैन डू इन 6 डेज ऑफ 7 आवर्स डेली। केरल में ये कह रहा है कि जो ए है ये क्या कर रहा है किसी काम को, ये क्या कर रहा है किसी काम को यानी 63 आवर्स में कर रहा है, और बी क्या कर रहा है 6 इंटू 7 यानी 42 आवर्स में काम कर रहा है। मतलब क्या है एक 7 दिन में कितना काम कर रहा है और 9 घंटे काम कर रहा है यानी कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, और बी क्या कर रहा है 6 दिन में कितने घंटे काम कर रहा है 7 दिन यानी 42 हो गया। इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला कितना आ गया 126 इसका एलसीएम आ गया। तो ए का एक दिन का काम कितना है 2 यूनिट, बी का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, दोनों को मिला के कितना एक दिन का काम 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट हमारे पास काम आ गया। लेकिन टोटल हमारे पास कितना है, अब उसने बोला कि क्या करना है हमको वर्किंग टुगेदर, ठीक है
तो ये हमने क्या करा, 126 था, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि दोनों काम कर रहे हैं एक टुगेदर, पर एक दिन में 8 आवर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में 5 मिनट काम कर रहे थे, ऊपर से 8 उनका गुणा किया हमने, टोटल कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। 40 मिनट काम हो गया हमारे पास, टोटल हमारे पास काम 126 है, 126 अपन 40 यानी 3 सही, 1/20 दिए, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज विच कैन फिनिश इन 18 डेज इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज विद ए बिगिनिंग इन विच हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कम्प्लीट। कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और जो बी है वो 18 दिन में कर सकता है, और दोनों क्या काम कर रहे हैं, अल्टरनेटिव कर रहे हैं। इसका मतलब अगर पहले दिन अगर ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा तो चौथे दिन फिर बी करेगा, ऐसे काम ये करते रहेंगे। तो पहले हमसे कहा है कि उसके की बिगिनिंग हमारा कौन कर रहा है, ए करेगा, शुरुआत हमारी ए करने वाला है। तो ए एक दिन में 12 करता है, बी एक दिन में 18 दिन में काम कर लेगा, टोटल हमारे पास क्या हो गया काम, टोटल वर्क हो गया हमारे पास 36। इसका आंसर लिया हमने, एक एक ए का एक दिन का काम क्या है, ए का एक दिन का काम क्या है हमारे पास 3 यूनिट, और बी का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट, दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाए, 5 यूनिट हमारे पास हो गया। अब हमसे कहा है कि अल्टरनेटिव कर रहे हैं, तो दोनों का 5 दिन का, 2 दिन का काम 5 यूनिट है, 36 हमारे पास था, 36 में हमने 5 का किया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, और हमारे पास कितना आएगा, 7। ये क्या हो रहा है, 2 दिन का काम, पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, दोनों मिला के 5 मिनट काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 यानी 14 दिन हमारा के पास हो गया, और एक जो रिमाइंडर बचा उसको कौन करेगा, ए, क्योंकि शुरुआत ए कर रहा है, तो इसको 3 से कर दिया, तो 14 सही, 1/3 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला और देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 24 and 15 डेज रेस्पेक्टिवली इफ वर्क अल्टरनेटली फर्स्ट डे 6 सी, सेकेंड डे बी एंड थर्ड डे ए। कहने का ये मतलब है कि जो 20, 24 और 15 दिन में काम कर रहे हैं, लेकिन पहला काम कौन करेगा, पहले दिन काम करेगा सी, दूसरे दिन करेगा बी और तीसरे दिन करेगा ए। हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू कम्प्लीट द वर्क लाइक दिस, ठीक है, हमने वही तो हमारा काम करेंगे, ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, दोनों तीनों का एलसीएम निकाला हमने, एक दिन का काम क्या होगा, 6, 5, 8 हो गया। लेकिन पहले क्या है, पहले हमारे पास कौन कर रहा है, सी कर रहा है, दूसरे दिन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तीसरे दिन कौन कर रहा है, हमारे पास ए कर रहा है, तो तीनों का 3 दिन का काम कितना हो गया, 6, 5, 8 यानी 19 यूनिट, ये 3 दिन का काम कितना हो गया, 19 यूनिट। हमारे पास टोटल काम कितना है, 120, 120 में हमने 19 का भाग दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, 6, ये 6 कितना है, कितने दिन का काम है, 3 दिन का काम है, 6 3 18 हो जाएगा इधर, और इधर क्या बचा हमारे पास, 6 बचा, 6 को कौन करेगा, पहले यानी सी करेगा, यानी 6/8, 6/8 को हमने सोल्व किया था, कितना बचाएगा हमारे पास, हो जाएगा आंसर 18 3/4 यानी 18 से 3/4 डेज, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिन लोगों को समझ में आया वो फिर से वीडियो एक बार वो रिवाइज करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद।